मछली पालन विभाग राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के पद पर पदस्थ गीतांजलि गजबिये को शनिवार को राजनांदगांव की पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गीतांजलि पर विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 2,16,00,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप था। पिछले कई माह से वो फरार बताई जा रही थी। राजनांदगांव के मछली पालन विभाग के सहायक संचालक सुदेश कुमार साहू ने इस बारे में राजनांदगांव पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार हितग्राही भुवन लाल की ओर से मछली पालन विभाग राजनांदगांव को तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन राजनांदगांव गीतांजलि गजबिये ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर योजना में प्राप्त राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत मिली थी। मछली पालन विभाग राजनांदगांव द्वारा जांच के उपरांत एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 जुलाई 2024 को FIR दर्ज कराया गया था कि उनके विभाग में लगभग 2,16,00,000 रुपए का गबन किया गया है। जांच उपरांत जो है वहां पे जो सहायक संचालक थी गीतांजलि गजबिये, उनको अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।